नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं एक हंस रॉड का मेजरमेंट कैसे निकालना है। तो एक तो मैनुअली भी निकाल सकते हैं। ये जो मैं आपको अभी एक दिखा रहा हूँ एक्सेल शीट है, यहाँ पे आपको फार्मूला भी दिया है कैसे मेजरमेंट निकालना है, कहाँ से कैसे क्या करना है। ये पूरे स्टेप बाई स्टेप इसमें दिया हुआ है आपको। सिर्फ इसमें कुछ भी नहीं है, ये यहाँ पे मेजरमेंट एंट्री करना पड़ेगा और ये मेजरमेंट आपने यहाँ पे एंट्री कर लिया तो यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक हंस रॉड का मेजरमेंट यहाँ निकल के आ जाएगा। तो देखते हैं ये कैसे बनाना है, कैसे क्या हमने बनाया है। तो मैं आपको आज इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। वीडियो को आखिरी तक देखिए ताकि आपको पूरा समझ में आएगा। वीडियो चालू होने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट साथ में जरूर कर देना। चलिए दोस्तों आज का वीडियो चालू करते हैं। दोस्तों आपको यहाँ पे जैसे ये एक मैंने डायग्राम दिखा रहा हूँ हंस रॉड के लिए, यहाँ पे अगर आपका हंस रॉड का जो भी हो साइज लेंथ वाइज और हाइट वाइज जो भी साइज है, 150 भी 150 या फिर 300 भी 300 जो भी रहेगा, रेक्टेंगल में अगर रहेगा तो आप यहाँ पे पिथागोरस थ्योरी लगा के यहाँ पे आपका हंस रॉड मेजरमेंट आसानी से निकल जाएगा। जैसे है मैंने यहाँ पे एक्स और वाई दिया हूँ। देखिए एक्स का मेजरमेंट कैसे निकालना है, जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक आपको मालूम है तो वाल का थिकनेस क्या है, वाल का थिकनेस यहाँ पे आप माइनस कर दोगे तो ये मेजरमेंट मिल जाएगा। यहाँ से यहाँ तक तो आपको मालूम है हंस का साइज जो दिया हुआ है, वो यहाँ से लेके यहाँ तक आप कैसे मेजरमेंट निकालना है, जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक, उसके लिए मैंने उसका एक सोन दिया हूँ। उसके लिए भी फार्मूला से निकालना पड़ेगा जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक कैसे निकालना है। ये अगर राइट एंगल में है तो आपका आसानी से निकल जाएगा। कैसे मैं बता रहा हूँ, जैसा ये ट्रायंगल है, छोटा ट्रायंगल है, तो इसमें मालूम है आपका राफ्ट का हाइट क्या है। राफ्ट का हाइट से ये कवर माइनस कर दोगे और ऊपर का ये मेजरमेंट माइनस कर दोगे तो ये वाला मेजरमेंट मिल जाएगा। जैसे ये वाला मेजरमेंट जितने है उतने ही ये रहेगा अगर आपका राइट एंगल में हो तो। अगर मान लीजिए यहाँ पे एक और भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए यहाँ पे स्पैन वाइज हंस का मेजरमेंट दिया है 750 mm और हाइट वाइज दिया है 250 mm, 250 mm दिया है। तो देखिए यहाँ पे जितना हाइट है उतना नहीं रहेगा, ज़्यादा रहेगा। यहाँ पे देखिए जितने यहाँ पे ये मेजरमेंट दे रहे हैं वाल के अंदर जो स्टील टू स्टील मेजरमेंट दे रहे हैं, यहाँ पे कम रहेगा। ये किसके हिसाब से कम रहेगा, मैं आपको एक छोटी सी ये बता दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक 1 मीटर है तो ये वाला मेजरमेंट कितने रहेगा। तो उसके लिए एक आसानी से, ज़्यादा कुछ आपको सोचने की जरूरत नहीं है। ये हंस रॉड का, ये हंस का मेजरमेंट देखिए यहाँ पे 750 mm है और यहाँ पे 250 mm है। ये 750 mm को 250 mm से डिवाइड कर लीजिएगा, 750 mm को 250 mm से डिवाइड कर लीजिए, आंसर आपको मिलेगा 3। तो यानी इसका मतलब ये है तो जितने ये हाइट है इससे 3 गुना ये रहेगा, मतलब ये 1 मीटर होगा तो ये 3 मीटर रहेगा। तो मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ एक बार मेजरमेंट निकाल के, इसे यहाँ से लेके यहाँ तक देखिए मेजरमेंट 732 mm आ रहा है। यहाँ पे देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक देखिए 2.198 मीटर आ रहा है। मान लीजिए ये 732 mm का हम 732 mm को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2196, यहाँ पे देखिए 2198 आ गया है। मतलब 2 mm का फर्क है। अगर मैंने यहाँ पे 0.84 भी लगा के अगर मैंने करूँगा तो बराबर यही मेजरमेंट मिलेगा। तो ऐसे ही निकालना पड़ेगा इसको, आसानी तरीका है, ज़्यादा आपको सोचने की जरूरत है नहीं। तो यहाँ पे आप कैसे करोगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लिया तो यहाँ पे भी आपको मल्टीप्लाई करना है, लेकिन किससे मल्टीप्लाई करोगे। जैसे यहाँ पे 750 भी 250 यहाँ पे यूज़ किए हैं तो यहाँ पे 250 डिवाइड बाई 750 जो भी आंसर आएगा ठीक कोई हम लोग फॉलो करेंगे, मतलब 0.333 उस मेजरमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ पे मेजरमेंट निकाल देंगे, चलो आपको मैं निकालता हूँ वहाँ से लेके यहाँ तक,
598.51। मेजरमेंट हम पहले बता देंगे, ठीक है, 0.5981 × 333 लगा दिया तो आपका मेजरमेंट क्या है, 0.199। देखिए मैं यहाँ दिखाता हूँ, अभी यहाँ पे लगा के भी देखिए 0.99 mm यहाँ पे भी आ गया आपका, यही मेजरमेंट रहेगा। ऐसे निकालना है इसको, लेकिन यहाँ पे ये सब ठीक है, ऐसे मैंने इसके ये करके निकाल दिया है। यहाँ ये मेजरमेंट कितना रहेगा, यहाँ पे ये वाला 40 mm नहीं रहेगा, यहाँ पे आ गया मेरा 56 mm। जैसे यहाँ पे 56 mm आ गया, तो इसका मेजरमेंट कैसे, ये 56 mm कैसे आया मैं आपको बता दूंगा। जैसे यहाँ पे इस लाइन का मैंने एक ट्रायंगल राइट एंगल मारता हूँ। देखिए दोस्तों, अपना जो हाँच का जो मेजरमेंट है उसका सीधे, तो सीधा इसका मैंने 90 डिग्री करूँगा तो ये 40 mm रहेगा। तो मैं आपको एक लाइन भी ला मार्किंग करके दिखा रहा हूँ, देखिएगा मैंने 90 डिग्री में अभी रोटेट करता हूँ। मैं इसको रोटेट कर लिया है, देखिए ए मेजरमेंट 40 mm रहेगा। को मैं भी लगाता हूँ इसको लेके यहाँ तक, 40 mm मैंने जो एंट्री किया था कवर उसके हिसाब से रहेगा, ये 40 mm रहेगा। अगर आपका हंच का मेजरमेंट राइट एंगल में है, मतलब तो दोनों साइड का मेजरमेंट बराबर है, 150 150 है या फिर 300 300 है, जो भी बराबर है मेजरमेंट, तो ये वाला मेजरमेंट भी आपका 40 mm रहेगा, 40 mm ही रहेगा ये भी। तो ये दोनों 40 mm 40 mm मेजरमेंट मिल गया, तो यहाँ से आप मेजरमेंट निकाल सकते हैं। लेकिन आपको मान लीजिए वो ट्रायंगल में नहीं है, तो मेजरमेंट कैसे निकालेंगे, वो जैसे ये नीचे वाला मेजरमेंट आपने निकाला था वैसे इसका भी निकालना पड़ेगा। यहाँ पे इससे एक राइट एंगल डिग्री मारेंगे तो ये 40 mm यहाँ रहेगा, तो उस 40 mm को आपको 0.33 से मल्टीप्लाई करना है। कैसे, 250 / 750 करेंगे तो जो आंसर आएगा, तो उसी आंसर से मतलब 0.333 जो आ रहा है उस आंसर से 40 mm का मल्टीप्लाई करना होगा, तो 13.33 mm मिलेगा। तो ये दिखा देता हूँ लाइन भी लगा के, देखिए दोस्तों इसको मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ 90 डिग्री पे। इसका रोटेट कर लिया है, देखिए मेजरमेंट 40 mm रहेगा यहाँ से लेके यहाँ तक, जो मैंने कवर का मेजरमेंट दिया है 40 mm ही रहेगा। यहाँ पे अपना फाइंड आउट किया था 13 mm, फिर चेक करते हैं 13 mm है कि नहीं, देखिए 13.33 आंसर कितने आया, 13.33 बराबर आ गया। मतलब ऐसे ही निकालना पड़ेगा, ऐसे निकालने के बाद आपको मेजरमेंट जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक मेजरमेंट मिल जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक मेजरमेंट मिल जाएगा। यहाँ पे तो ये मेजरमेंट कवर का जो मेजरमेंट है वो माइनस कर देंगे, तो रैप्ट का मेजरमेंट से ये कवर और ये वाला मेजरमेंट मिल जाएगा, तो ये वाला अंदर स्टील टू स्टील मेजरमेंट आपको मिल जाएगा। इस मेजरमेंट को ये 750 / 250 जो करेंगे उस आंसर से मल्टीप्लाई करने से ये मेजरमेंट आपको आ जाएगा। जैसे इधर भी ऐसे ही है, वाल का मेजरमेंट से ये कवर माइनस करने के बाद ये वाला मेजरमेंट माइनस कर देंगे तो स्टील से स्टील मेजरमेंट मिल जाएगा। इसको अपना उल्टा जैसे 250 / 750 जो करेंगे उस मेजरमेंट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए वाला मेजरमेंट मिल जाएगा। इसे ये मतलब इस मेजरमेंट मिलने के बाद फिर हांच का जो हाइट है वो ऐड कर लीजिए, फिर यहाँ तक मेजरमेंट जो भी रैप्ट का हाइट है, रैप्ट का हाइट से ये
कवर मैनेज कर दोगे तो यहाँ पे आपको वाई का मेजरमेंट मिल जाएगा और एक्स का भी, जैसे मैंने अभी बताया था उसी से हिसाब से एक्स का भी मेजरमेंट मिल जाएगा। इन दोनों मेजरमेंट को आप पिथागोरस थ्योरी लगा के ये हांच रॉड का आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो उसके लिए मैंने आपको एक फाइल भी बनाया है, इसमें आपको अगर आप साइड पे हैं मेनुअली निकालना है तो उसी तरीका फॉलो कीजिएगा, नहीं आप ऑफिस ड्यूटी कर रहे हैं या फिर ऑफिस में कर रहे हैं तो ये फाइल आपको बहुत काम करेगा। इसे मैंने यहाँ पे एंट्री कर लिया है, मेरा कैप्ट का थिकनेस 0.25 और बी मतलब पाल का थिकनेस 0.25 ऐड कर लिया है, पांच का मेजरमेंट 0.15 कर लिया है। तो कवर मैंने सेम रख रहा हूँ, फिफ्थ फेस पे 20 mm और अदर फेस में 40 mm रख रहा हूँ। इसके हिसाब से मेरे को देखिए 0.627 मिला है, मैं आपको दिखा देता हूँ ऑटोकैड में भी ये सही मिला है कि गलत मिला है। तो देखिए यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है ड्राइंग, इसका मेजरमेंट 250 है वाल राफ्ट का, और वाल का भी देखिएगा 250 मिलेगा। देखिए हंच का मेजरमेंट भी आपका जैसे यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ 150 से 150 आएगा। ये 150 आ गया है इस मेजरमेंट में, ये 250 है और ये 150 आ गया है। इसके हिसाब से आपका हंच कार्ड का मेजरमेंट देखते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, ऑटो कार्ड क्या बता रहा है 627.11। आपका अपना एक्सेल शीट क्या बता रहा है 627, 0.627 मीटर। यहाँ पे जो बता रहा है आपको एमएम में बता रहा है, यहाँ पे जो मैंने सेट किया मीटर में सेट किया है तो इसलिए इसलिए यहाँ पे मीटर में आपको मेजरमेंट आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे एक और चीज जरूर करना है, अगर आप ये फाइल से एक्सेल फाइल से काम करने वाले हैं तो इसमें एक और जरूर चीज देखना है। जैसे मैंने यह भी जो लगाया है ये तो रैप्ट कर लिए, रैप्ट का मेजरमेंट में आप ऐसे कर दोगे मैनेज कर दोगे ठीक है, लेकिन आपका कवर कुछ चेंजेस है। मान लीजिए स्लैब में आपका कवर चेंज होगा, एक साइड में 75 mm और एक साइड में 40 mm हो जाएगा, तो इसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, ये फाइल में सिंपली आपको कुछ एडिट करना होगा कुछ नहीं। जैसे ये वाई का मेजरमेंट है यहाँ पे 35 mm ये बढ़ जाएगा, ये कवर अगर बढ़ जाएगा तो ये मेजरमेंट भी बढ़ जाएगा वाई का मेजरमेंट, और ये एक्स का मेजरमेंट भी थोड़ी बहुत बढ़ेगा। मैं बता रहा हूँ कैसे है, जैसे मैंने यहाँ पर लाइन मार रहा हूँ तो अगर ये लाइन है, मैं हाथ चट मार कर आपको दिखाता हूँ, ये उससे 35 mm हाथ चट मार दिया है। जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पे 75 mm का कवर के हिसाब से है तो एक्स यहाँ पे रहेगा, एक्स का मेजरमेंट थोड़ा कम हो जाएगा, अभी ये 35 लगाया है इसलिए एक्स का मेजरमेंट भी बढ़ जाएगा और ये वाई का मेजरमेंट भी बढ़ जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जैसे एक्स और वाई का जो मेजरमेंट मैंने निकाला है, जैसे यहाँ पे एक्स एक्स का मेजरमेंट में मैंने ये वाला ऊपर वाला कवर माइनस किया है, इसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, ये नीचे वाला ज़्यादा कुछ करना नहीं है, और नीचे वाला कवर माइनस कर लीजिएगा, ये अदर फेस वाला कवर माइनस कर दीजिएगा, और वही का जो मेजरमेंट है वही का मेजरमेंट में भी सेम ये नीचे वाला मेजरमेंट माइनस कर दीजिएगा। तो बाकी आपको देखिए 0.677 आया है, तो इसमें लगा के देखता हूँ दिखाता हूँ सही आया कि नहीं आया। देखिए 676.6, 0.677 भी कह सकते हैं इसको, मतलब 0.5 से ज़्यादा है इसलिए इसको देखिए आगे अपना मेजरमेंट 0.6766। तो इसको अपना अपना इसको 0.677 भी कह सकते हैं मीटर में, तो वो मेजरमेंट यहाँ पे आपका आ गया, बस इतने आपको एडिट करना होगा। दोस्तों आज का वीडियो आपको पूरा समझ में आया होगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू दोस्तों।